कहते हैं कि गणेश की मूर्ति अगर आप किसी को दे रहे हो तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, होता तो अच्छा ही है, क्योंकि गणेश जी होते ही अच्छे का प्रतीक है, जीवन को अच्छे निकालने का प्रतीक है, हर चीज़ का प्रतीक है। पर आप हो ना अपनी लड़की को, अगर आप शादी के बाद उसको कोई तस्वीर देते हैं, जैसे कहते हैं शादी में आप उनको लड़की को तोहफा दे रहे हैं, तो अगर आप तोहफे में गणेश की मूर्ति दे रहे हैं तो बहुत गलत है। अगर आप उन्हें गणेश की मूर्ति देंगे तो लड़की को लक्ष्मी के समान माना जाता है, और अगर वो गणेश की मूर्ति अपने साथ ले गई तो इसका मतलब आपके घर की सुख समृद्धि सब ले जाएगी, तो वो नहीं देनी। वो दोगे तो आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सुख नहीं रहेगा, कोई पैसे नहीं रहेंगे, सब गरीबी आ जाएगी। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना, और कुछ लोग ऐसा कर चुके हैं, उनसे गलती हो चुकी है, तो वो सुधार सकते हैं। वो अपनी बेटी को कहें कि वो बेटी आपको एक तस्वीर ला कर दे गणेश जी की, बस अगर वो वापस ला कर दे देगी तो सब कुछ आपके घर आ जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी खुद आपके घर आके आपको सुख समृद्धि दे रही है, तो फिर ये आपके लिए अच्छा होगा। और आप ये देखें कि ऐसी ही तस्वीर ना उठा ले कोई भी, तस्वीर में गणेश जी की जो सूंड जो होती है वो बाई तरफ होनी चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि दाई तरफ वाली आप ले ही नहीं सकते, पर उसके लिए पूजा पाठ और सब कुछ बहुत अलग होता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप बाई तरफ जो सूंड हो वही लें, 8 इंची की तस्वीर होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। और अगर आप किसी और को गणेश की मूर्ति देने की सोच रिश्तेदारी में तो उसे दे सकते हैं, पर अगर ये सोच रहे हो कि गणेश और लक्ष्मी के साथ दें तो ना दें, क्योंकि गणेश और लक्ष्मी साथ होते हैं तो आप उन्हें सुख समृद्धि लक्ष्मी सब दे देते हैं, तो ये गलत होगा। अगर आप अपने रिश्तेदार को दे रहे हो तो आप अपने घर की सारी सुख समृद्धि लक्ष्मी सब उनको दे रहे हो, तो इसलिए साथ वाली तस्वीर ना दें। और अगर आपके घर में कोई गणेश जी की खंडित तस्वीर है तो आप उसे कर दें बाहर, रखा है पेड़ के पास, या इको फ्रेंडली है तो उसको पानी में कर दें, पर घर में खंडित ना रखें, बहुत ही अशुभ माना जाता है ये, बहुत ही ज़्यादा गलत और नेगेटिव एनर्जीज लाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, गणेश जी हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ लाते हैं, तो आप उनको अच्छे से रखें तो हर चीज़ अच्छी ही आएगी।